मौजूदा अदालती फैसलों को देखते हुए न्यायिक व्यवस्था में भी आरक्षण की जरूरत महसूस की जाने लगी है। पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्वाड ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने न्यायपालिका में आरक्षण नहीं दिया था, इसे एक चूक की तरह ही देखा जा सकता है। वे मंगलवार को देशपांडे हॉल में बहुजन मंच की ओर से आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोल रहे थे। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष और विधानसभा अध्यक्ष के हालिया फैसले की पृष्ठभूमि में आव्वाड के बयान को नए विवाद के रूप में देखा जा रहा है। लैटिन भाषा में आरक्षण शब्द का अर्थ सुरक्षा होता है। बाबा साहेब ने आरक्षण देते समय देश के वंचितों और कमजोरों की सुरक्षा के बारे में सोचा, लेकिन आरक्षण शब्द बोलते ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। इस आरक्षण को खत्म करने के लिए ही निजीकरण की योजना बनाई गई है। बाबा साहब ने आरक्षण देते समय जाति का ध्यान नहीं रखा, लेकिन इस देश का बहुजन समाज इस बात को समझने को तैयार नहीं है। संविधान की वजह से ही ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिला है। ओबीसी समुदाय की आबादी 50% से ज्यादा है, हालांकि आरक्षण केवल 27% ही दिया गया है। दरअसल इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद से ही ओबीसी को आरक्षण मिलने की उम्मीद थी, लेकिन देश का एक वर्ग स्वयं आरक्षण के विरोध में है, इसलिए उन्होंने समितियों और आयोगों की नियुक्ति करके समय बर्बाद कर दिया। विपिन सिंह द्वारा मंडल कमीशन लागू करने के बाद ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिला है। ओबीसी समुदाय हाल ही में बार काउंसिल में दिखना शुरू हुआ है। 70 साल तक न्यायपालिका की सत्ता पर कुछ खास लोगों का कब्जा रहा। ओबीसी आरक्षण के बाद अब बार काउंसिल और सरकारी नौकरियों में ओबीसी समुदाय के कर्मचारी आ रहे हैं। ओबीसी समाज को यह सीखने की जरूरत है कि संविधान ही उनकी सुरक्षा है। एकदा गावातनं वडिलांना भेटायला निघाले, वडिलांनी बोललं की सुट्टीत तुम्ही घरी या, म्हणजे गोरेगावला या। बाबासाहेब तेव्हा साताऱ्यात होते, बाबासाहेबांनी नवीन कपडे वगैरे शिवले होते, त्यामुळे त्यांना बसायला जागा दिली। पण नंतर जेव्हा कळलं की ते मागासवर्गीय आहेत, शेड्यूल कास्ट आहेत, तेव्हा त्यांना तिथं बाहेर काढलं गेलं। तेव्हा यात्रेच्या दरम्यान बैलगाड्या वापरायला जायचं, त्यांनी खूप बैलगाड्यांना हात दाखवले की आम्हाला बसू द्या। एकाही बैलगाडीवाल्याने त्यांना बसू नाही दिलं। एकाने तयारी दर्शवली, पण मात्र तो सतत चालवणारा बैलगाडीच्या बाहेर उतरला की ह्यांच्यावरती येणाऱ्या हवेमुळे मी प्रदूषित होईल, त्यामुळे मी खालनं बैलगाडी ओढतो, तुम्ही बसून राहा। हा अनुभव त्यांना वयाच्या 9व्या वर्षी आला। पहिला किती जणांना माहिती आहे मला माहित नाही, पण त्यांना शाळेतही कधी वर्गात बसू दिलं नव्हतं। आणि हा राग अर्थातच कोणाच्याही मनात असणार। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।